केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। केंद्रीय मंत्री शेखावत सोमवार की सुबह वीआईपी चौक स्थित राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर के प्रांगण में झाड़ू भी लगाया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि 55 साल के कांग्रेस शासन के दौरान उत्तर पूर्व भारत को उपेक्षा का सामना करना पड़ा और उत्तर पूर्व भारत को मुख्य भूमि से अलग करने की साजिशें कांग्रेस काल में ही हुई। आज पूरे उत्तर पूर्व भारत को देखा जा रहा है। विकास की इस दौड़ में उत्तर पूर्व भारत शेष भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में मणिपुर सहित उत्तर पूर्व भारत का विकास हुआ है। पूर्वोत्तर भारत को हमेशा ही 55 साल तक कांग्रेस के शासन में उपेक्षा का शिकार होना पड़ा और जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत को भारत की मुख्य भूमि से अलग थलग करने के षड्यंत्र कांग्रेस के जमाने में हुए थे, आज पूरा पूर्वोत्तर भारत विकास की इस दौड़ में भारत के शेष हिस्सों से प्रतियोगिता करते हुए दिखाई देता है, कंपीट करते हुए दिखाई देता है। जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत का विकास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मणिपुर सहित अन्य सभी प्रदेश आज अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करते हैं और भारत के विकसित होने के रास्ते मार्ग पर अपने आप को अष्ट लक्ष्मी, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने संज्ञा दी है, वो ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को देखते और पाए। न्याय यात्रा